हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस एजुकेशन में। आज हम देखने वाले हैं क्या होता है पैरेलल लाइंस एंड क्या होता है ट्रांसवर्सल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है पैरेलल लाइंस। ओके, पैरेलल लाइंस द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ऐसे लाइंस जो सेम प्लेन में होते हैं लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। ओके, यू कैन सी इन द फिगर, एक लाइन एल है, दूसरा लाइन क्या है? एम है। ओके, इन द अबव फिगर लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल लाइंस। ये जो लाइन एल है और लाइन एम है, ये लाइन कैसा है? पैरेलल लाइंस। ओके, इज रिटेन एज लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसको लिखने का तरीका देखिए क्या है। लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के। ओके, आई होप ये पहला लाइन आपको समझा होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है ट्रांसवर्सल। ओके, ट्रांसवर्सल इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइन्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइन्स। अगर कोई लाइन दो लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे फिर से डेफिनेशन समझाता हूँ। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइन्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइन्स। यू कैन सी इन द फिगर, एक लाइन एम है, एक लाइन एन है। ओके, और ये जो लाइन एल है ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। क्यों? क्योंकि वो लाइन एम और लाइन एन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इन द गिवन फिगर लाइन एल इंटरसेक्ट लाइन एम एंड लाइन एन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड लाइन एन। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। देखिए क्या बता रहा है, फिर समझा देता हूँ एक बार कि अगर आप देखेंगे फिगर में लाइन एल जो है लाइन एम को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और लाइन एन को कहाँ पे कर रहा है? पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर जो मेरा लाइन एल है वो क्या है? मेरा ट्रांसवर्सल। ओके, अब आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होता है इंटीरियर एंगल और क्या होता है अल्टरनेट एंगल। ओके।